नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गैर राजनीतिक देशव्यापी देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने हेतु 2011 से चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह आईपी ने 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसान आंदोलन की आड़ में देशद्रोही द्वारा दिल्ली लाल किले पर कब्जा करते हुए सफलतापूर्वक धार्मिक झंडा फहराने को भारत पर स्थायी कब्जे का रिहर्सल बताते हुए कहा कि देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली आजादी के बाद की सबसे खतरनाक देश विरोधी हुई घटना की साजिशों को पता न लगा पाने पर जहां देश का सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल हुआ, वहीं इस देश विरोधी घटना से पूरे देश में दुखी होने के साथ साथ देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के लाखों क्रांतिकारी की आत्मा भी रोई होगी, जिसके लिए पूरी तरह सरकार व पूरी विपक्षी राजनीतिक पार्टी दोषी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के संदर्भ में सरकार द्वारा लाए गए 3 बिल पूरी तरह से गलत नहीं है। इनमें से किसान हित में संशोधन की आवश्यकता है, जिस पर सरकार किसान के सड़क पर उतरने के बाद तैयार भी हो गई है, लेकिन अब विपक्ष अपने निजी स्वार्थों में किसानों व सरकार के बीच सहमति नहीं बनने दे रहा है, जो एक गंभीर चिंता का कारण है। जिस पर उन्होंने सरकार एवं विपक्ष को हिदायत देते हुए सुझाव दिया कि अब सरकार अपना और अड़ियल रुख न अपनाकर एवं विपक्ष किसानों को और न भड़काकर एक संशोधित कानून पर सहमति बनवाकर किसान आंदोलन तत्काल समाप्त करवाना ही देश व समाज हित में है। यदि सरकार व विपक्ष अपने अड़ियल रुखों से बाज नहीं आते तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग को एक नए विकल्प पर विचार करना ही होगा। अंत में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली लाल किले में कब्जा कर धार्मिक झंडा फहराने वाले देशद्रोही को चिन्हित कर ऐसे ही सख्त सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई भी संगठन या धर्म के लोग इस तरह देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने जैसी देश विरोधी एवं देश को कलंकित करने वाली हरकत ना कर सके। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशद्रोहियों द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली के लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराकर जो देश पर कब्जा करने का रिहर्सल किया गया, उससे अधिकांश देशवासियों के अलावा देश की आजादी में अपने प्राणों की कुर्बानी करने वाले लाखों क्रांतिकारियों की आत्मा भी रोई होगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर जो देशद्रोहियों द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में घटना को अंजाम दिया गया, उसके लिए देश की वर्तमान भारत सरकार के अलावा देश का पूरा विपक्ष जिम्मेदार है, जो सिर्फ सत्ता के लालच में किसान आंदोलन को इतने लंबे समय से चलाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे हैं। और आज किसान आंदोलन की आड़ में देशद्रोही इस तरह से देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। किसान आंदोलन जो इतने लंबे समय से चल रहा है, उसमें वास्तविक जो किसानों के उसमें बिल लाए गए हैं, उसमें सिर्फ संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए किसानों के सड़कों पर उतरने के बाद भारत सरकार संशोधन के लिए तैयार भी हो गई है, लेकिन देश का विपक्ष सत्ता के लालच में किसानों को संशोधित बिल पर सहमति नहीं होने दे रहा है, जो एक चिंता का कारण है। आज हम भारत सरकार से गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को शर्मसार करने वाली जो देशद्रोहियों द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें देशद्रोहियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराकर उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, जिससे भविष्य में कोई इस तरह से घटना को अंजाम देने की हिम्मत ना कर सके। साथ ही हम भारत सरकार एवं देश के विपक्ष से भी है अनुरोध करते हैं कि किसानों को जो उनकी पीड़ा है, उसको वास्तविक अपने स्वार्थ से हटकर उनके
लिए जो तीन बिल लाए गए हैं उसमें वास्तविक जो संशोधन की आवश्यकता है उसको संशोधन कराकर किसान आंदोलन को समाप्त कराएं। इसके लिए ना ही सरकार हट करे और ना ही विपक्ष किसानों को भड़काकर किसान आंदोलन को लगातार जारी रखवाए, क्योंकि देश इस समय एक साल से COVID-19 जैसी महाआपदा के कारण इस स्तर आर्थिक स्थिति से कमजोर हुआ है, जिसके कारण आम जनता गंभीर परेशानियों को झेल रही है। साथ ही आज जो सरकार और विपक्ष को देश हित में, देश की समस्याओं के हित में कार्य करना चाहिए था, वह दोनों ही सरकार जहां आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं विपक्ष अपने स्वार्थ में किसान आंदोलन को सफल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, जो किसी भी दृष्टि से देश व समाज हित में नहीं है। दूसरा, मैं देशवासियों से यह भी बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि देश का हमारे जो वर्तमान भ्रष्ट, निष्क्रिय व तानाशाही जो राजनीतिक सिस्टम है, जिसको ना ही देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है और ना ही देश की जनता की चिंता है, सिर्फ अगर चिंता है तो सत्ता में बने रहने या सत्ता में पहुंचने की। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग देश के वर्तमान भ्रष्ट, निष्क्रिय व तानाशाही राजनीतिक सिस्टम को जड़ से मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और 2021 में हम उत्तर प्रदेश से इस एक ऐसा अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिससे देश के भ्रष्ट व निष्क्रिय एवं तानाशाही राजनीतिक सिस्टम को मिटाकर एक देश व समाज हित का राजनीतिक सिस्टम देश के अंदर बनाया जा सके।